बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बाबरकत नाम से सेगमेंट का आगाज़। हमारी एक रस्म, एक रीत, एक रिवायत जो हमने यकुम रमज़ानुल मुबारक से शुरू की कि आपसे किसी पिछले एक मेहमान की मुलाकात भी करवाएंगे, यानी जो गुज़श्ता बरस या उससे पहले माह रमज़ान में हमारे नेकी के मेहमान बने। बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से लोगों को याद होंगे, बहुत से लोगों को याद नहीं होंगे। 6 साल पहले बदकिस्मती से ये घर वापस आ रहे थे कि एक डकैती की वारदात के दौरान इन्हें गोली मारी गई मेरे इस प्यारे भाई को, और उसके बाद इनका जो दोनों टांगें हैं वो मफलूज हो गई, चल नहीं सकते थे। तो जब यहाँ हमारे पास ये मेहमान बनकर आए तो इनकी सबसे बुनियादी और पहली शिकायत ये थी कि गर्मी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से बिस्तर पर लेट लेट कर इनकी कमर पर ज़ख्म बन गए, बेड सोर जिन्हें कहते हैं, और शदीद ज़ख्म थे कि जिनको देखा भी नहीं जा सकता था। तो हमने इन्हें यहाँ मदु किया, और वक्त चूँकि उस सेगमेंट में ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर था तो हमने सिर्फ मसला बताने के बाद, मैंने खुद ज़ाती तौर पर भी सुना, तो फिर हमने, हमारी टीम ने ही बस वो मामला एक जनरेटर, एक एसी और जो भी इंतज़ाम हो सकता था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक 1 साल बाद ही हमारे साथ मौजूद हैं और वो ज़ख्म भी ठीक हैं। ज़रा पैकेज आपको दिखाते हैं और फिर इनसे बात भी करते हैं। इसकी दिन में 3 दफ़ा से लेके 4-5 दफ़ा इसकी पट्टियाँ बदली करती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि इसकी बेड सोल ठीक हो जाए, ये बैठने के काबिल हो जाए तो चलो हमारा भी कोई आसरा बने। जो एसी है वो हो गई मेरी जिम्मेदारी मेरे इस भाई के लिए, ठीक है, वो तो ताकि वो लग भी जाए फौरन इंशाल्लाह। और उसके लिए एक जनरेटर चाहिए क्योंकि लाइट का कराची में बहुत बुरी सूरत है, तो वो मैं ज़बरदस्ती आपके खाते में डालता हूँ। बिल्कुल, ताकि वो बड़ी अहम, बहुत अहम इसलिए है कि बेड सोर ठीक होने में बड़ा बड़ा मेजर रोल है उसका। इस बिल्डिंग अगर रूम में टेम्परेचर ठीक रहता है तो इंशाल्लाह ये जल्दी इम्प्रूव करेगा। जी बिलाल, आपके ज़ख्म ठीक हो गए? जी शुक्र अल्लाह का, अब तो बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल, 100% अभी फिलहाल 1 डिग्री तक का बचा हुआ है और एंड में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और उसका क्रेडिट जो है वो एसी और उसको जाता है। बिल्कुल कैसे नहीं, नहीं हमको तो नहीं, हम तो, मेरा तो भाई है ये। अच्छा बस ये एक तो आज ये मकसद था, और अब ये माशाल्लाह सिर्फ इसलिए कि ये इतना बाहिम्मत बच्चा है, और मुझे पहले वक्त से इससे इतना लगाव था कि हमने वो मामला किसी और के ज़िम्मे डाला ही नहीं, हमने कोई कॉल भी नहीं लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद कोशिश करके वो 1 साल में, अब ये एक तो नवी जमात का तालिबे इल्म है, पढ़ भी रहा है माशाल्लाह साथ साथ, और अब इसकी ख्वाहिश ये है कि चूँकि अब ये बैठ सकता है और वो ज़ख्म ठीक हो गए हैं तो ये छोटा सा कोई कारोबार भी करे, तो उसकी भी जिम्मेदारी मैंने इसे ऑफर कह के करके, बस वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि छोटा सा जो ये काम करवा जाता है वो हम करवाएं, और ये अपनी ज़िंदगी को इंशाल्लाह एक बेहतर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े। तो हो सकता है अगली बार जब हम इनसे मुलाकात करवाएं तो हमने इन्हें एक किराना स्टोर या जनरल स्टोर खोल के दिया हो, तो अल्लाह करे एक मेगा स्टोर में उसे तब्दील कर लें आप, तब तक इंशाल्लाह अपनी मेहनत से। आज की जो हमारी मेहमान है नेकी सेगमेंट की, बहुत बाहिम्मत, बहुत पुरज़्म, अपने वालिद के इंतकाल के बाद अपने घर को चलाने वाली वाहिद कफील, फैक्ट्री में काम करके किराए के घर को और बाकी तमाम मामलात को, अखराजात मैनेज करती थी। अभी कुछ रोज़ पहले बदामी साहब ये अपनी तनख्वाह लेके वापस घर आ रही थी कि इनका बैग छीनने की कोशिश हुई जिसमें इनकी तनख्वाह थी और जिससे पूरा घर चलता है इनका, इनकी वालिदा, इनके बहन भाई जिससे रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, किराया अदा किया जाता है घर का और बाकी सारे मामलात भी, तो ज़ाहिर है वही तमाम इनकी कमाई थी। वो बैग देने से इन्होंने इनकार किया तो उस पर उन बेहिस लोगों ने गोली चला दी इन पर, और खुशकिस्मती की बात यह कि गोली इनके हाथ को छूती हुई, बल्कि हाथ में से गुजर के हड्डी को डैमेज करते हुए चली गई। ज़रा हम इनसे सहरिश से बात भी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम भाई, पहले तो आपको सलाम है कि आप माशाल्लाह अपनी पूरी फैमिली का सहारा बनी हुई हैं, और उनका ज़रा हमें सिर्फ एक मास्टर फ्रेम बनाइएगा, ज़ाहिर हम चूँकि ज़ख्म दिखा नहीं सकते, लेकिन सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि अगर आप भी वसीम देख सकें तो ये हड्डी के अंदर से, ये बता रही कि इन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए, उन्होंने यहाँ रखी पिस्टल और गर्दन बचाने के लिए अपना हाथ आगे किया, और बस थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा कि गोली इनके हाथ में से गुजर गई। तो ये गोली आर पार हुई है हाथ में से? जी यहाँ से लगी है, फ्रंट से और बैक से निकली है। और ये हड्डी आपके हाथ की? जी हड्डी टूट चुकी है। तो अब वो आप जो काम करती थी फैक्ट्री में, इस हाथ के साथ वो काम जी नहीं हो सकता? नहीं।
इसका इलाज कितने में हो सकता है ये बताएं। तकरीबन वो कह रहे हैं 1-1.5 लाख लगे हैं, हड्डी बिल्कुल बराबर हो जाएगी, इतने में अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपसे हेल्प लेने आई हूं। नहीं बिल्कुल हेल्प नहीं, ये तो हमारा सबका फ़र्ज है, लेकिन मैंने मैंने खुद इनसे ये रिक्वेस्ट की कि देखें ये तो पाकिस्तानियों के लिए कोई बात ही नहीं है, ये तो हो जाएगा इंशाल्लाह, तो हम सब भी मिलके कर देंगे। घर चूंकि इनका किराए का है और ये वाहिद कफील है, तो मैंने खुद इनसे ये दरख्वास्त की हमारी टीम ने कि हमारी ये ख्वाहिश होगी कि आपके लिए इससे ज़्यादा कुछ हो सके, या तो कुछ ऐसा सिलसिला कि किराए का कुछ इंतज़ाम हो जाए, या कम से कम घर की कोई अगर बंदा खुदा कोई ज़िम्मेदारी ले ले तो मेरी इस बहन का आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है। वालिदा है एक आपकी, वो भी बीमार रहती हैं आप बता रही थीं। जी उनका ऑपरेशन हुआ था, वो चल नहीं पाती है। और घर में कौन है? और बस मैं हूँ और अम्मी है। अम्मी है जी। और दोनों आप कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? मुझे तकरीबन 12-13 12-13 हज़ार। जिस दिन आपके साथ ये डकैती की वारदात हुई है उस दिन आप तनख्वाह लेके वापस? जी सैलरी लेकर घर जा रही थी। तो उन्हें बैग छीनने की कोशिश की? जी मुझसे पर्स मांगा उन्होंने, मैंने मना कर दिया तो छीना, तो जब मैंने उन्हें मना किया ज़्यादा तो उन्होंने फायर कर दिया। अच्छा, और आप बता रही हैं कि फायर बेसिकली वो गर्दन पे? हाँ यूँ रखी थी ना पिस्टल उन्होंने सामने, तो मैंने हाथ रखा यूँ साइड पे किया तो उन्होंने फायर कर दिया। और उसके बाद फिर कौन लेके गया अस्पताल? मैं गिर गई थी, बेहोश तो नहीं थी लेकिन खून बह रहा था, इतने में लोग जमा हो गए, फिर चीपा की गाड़ी आ गई। और वो आपका बैग कहाँ गया? उठाया ले गए? वो ले गए जी। अच्छा वो बैग भी ले गए आपको। और किस तारीख की वारदात है ये? ये 5-4 रोज है। 4 रोज? अच्छा, इसी महीने दोपहर को 2 बजे। और किस इलाके में हुआ ये? कहाँ? गुलशन विहार। FIR वगैरह कटवाई फिर आपने? किस इलाके? मंगोपेड़ के थाने की और वहाँ के मेन थाने की पुलिस दोनों आई थी। तो वालिदा आपकी जो है उनके उनको क्या बीमारी है? वो कुछ अम्मी का रसोली का ऑपरेशन हुआ था तो वो ख़राब हो गया, उसके बाद से वो मतलब ज़्यादा चल फिर नहीं पाती और थोड़ी हेल्दी हो गई है, तो बीमार रहती है, टैबलेट पे चल रही है। बेटी भी आप हैं, बेटा भी आप हैं, सब कुछ आप करती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दिन ब दिन ख़राब हो रहा है और मुझे इसकी बहुत टेंशन हो रही है, डॉक्टर बोले जल्द से जल्द हो जाएगा तो वरना हड्डियों बैठ मतलब दोबारा हो गया समझे, हो जाएगा इंशाल्लाह, तो मामला ही नहीं है। तो जनाब बस आपसे दरख्वास्त है कि ये बस इससे आगाज़ किया जाए आज के इस अब नेक काम का, और फिर उससे बढ़कर अगर हम आज कुछ कर सकें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर कम से कम ये कि मेरी इस बहन का हाथ सलामत रहे जिस हाथ से ये रिज़्क़ हलाल अपने लिए, अपनी वालिदा के लिए, अपने घर को चलाने के लिए कमा रहे। 1.5 लाख का कह रहे हैं, 1.5 लाख, 1-1.5 लाख जो कि मुकम्मल इनका हाथ। तो बस वो अजमान से जो हमारी एक बहन है उन्होंने मुझे मजीद कुछ पैसे भिजवा दिए हैं। क्या कहें, आप 1.5 लाख में से 50,000 तो आप इसमें चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का मेहरबानी से आगाज़ तो हो गया। बस 1 लाख रुपये अगेन सिर्फ इनके हाथ के लिए। मेरी दरख्वास्त ज़ाती तौर पर ये होगी ऑन एयर भी और ऑफ एयर भी, जो हमारे वो मुखय्यर हजरात जो रबते में रहते हैं उनसे भी, कि अगर हम इनके लिए कुछ ज़्यादा कर सकें तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसी बच्चियों की, ऐसी बेटियों की, ऐसी बहनों की हिम्मत बंधाई जानी चाहिए, हौसला मिलना चाहिए इन्हें कि इनकी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी हम ले लें। ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं कि ये घर बैठ जाएँ या ये जो करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें, लेकिन वो बोझ थोड़ा सा अगर हम इनका कम कर सकें, किराए का या मकान का या किसी भी सूरत में जो आप बेहतर समझते हैं उस सूरत में एक पॉजिटिव कदम होगा इनकी इनकी ज़िंदगी में। जी अच्छा अच्छा जी, एक हमारे साथ हमारे भाई मजहर साहब मौजूद हैं। आपको याद होगा उस दिन 10 लाख रुपए एक बच्ची के लिए उन्होंने अनाउंस किए थे, और आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि उसी रात उन्होंने हमारे नुमाइंदे को बुला के मुझसे सिर्फ फ़ोन पे एक बार बात करके 10 लाख रुपए कैश उनके हवाले भी कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी वो पैसे उस बच्ची के लिए हमारे पास आ भी गए। तो इस वक्त मजहर साहब दोबारा से उन्होंने फ़ोन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने उनसे बड़ी दरख्वास्त की है, ऑनर भी कर रहा हूँ कि वो हमारे पास यहाँ आएँ, हम ज़रा मिलना भी चाहते हैं ऐसे लोगों से और दूसरे लोगों का हौसला भी बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आपको सलाम है बच्ची के लिए, इस बच्ची के लिए जो है जी, इसका जो खर्चा है, इसका जो भी हड्डी उसकी हुई है, इसका इलाज का 1.5 लाख रुपए में अपनी पास अदब कर सकते हैं सर। थैंक यू, पूरा इलाज। और जो 1.5 लाख रुपए का आपने अनाउंस किया इसके लिए दूसरे मसरफ के लिए आप इसको दे दें। जब बहुत 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 बेहतर, ये आपने पहले ही माशाल्लाह इतनी नेकियां समेट ली हैं और एक मजीद आपके हिस्से की नेकियां आपके हिस्से में आ गई हैं। आपका बहुत शुक्रिया मजहर साहब, आपका इंतजार हो रहा है, बस मैं जरा फोन पर भी बात करता हूँ आपसे ऑफ एयर। बहुत 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 शुक्रिया, चलें जी। एक मसला तो बुनियादी तौर पे हमारा हल हो गया। डोनेशन के लिए नंबर्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और अगेन हमारी ये कोशिश रही है अब तक
कि आपने हम पर जो एतबार किया है, जो एतमाद किया है, अब तक 19वां रोज़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ाना की बुनियाद पर किसी एक मेहमान से आपको मिलवाया, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, घर दिलाने का मामला था, थोड़ा सा इलाज का मामला था, चाहे एसी या जनरेटर तक का इशू था, छोटा सा वादा किया, बड़ा वादा किया, कोशिश की कि उस वादे को निभाएं, और उस वादे को निभाने के बाद हमने उन मेहमानों से आपकी मुलाकात भी करवाई है। बाज़ औक़ात बहुत छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी खुशी दे जाती है। नहीं बिलाल, अब इस काबिल हो गया सिर्फ एक एसी और जनरेटर की वजह से कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है। ये तो कल भी हमने जिन मेहमानों से मिलवाया था, वो जो आज़ाद कश्मीर के बच्चे थे, घर तो उनको मिला, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी उनको वो टैबलेट और फ़ोन की थी जिसपे वो गेम खेलते रहते हैं अपने बेड के ऊपर पड़े हुए। जी जिंदाबाद जी। एक और हमारे भाई, कल यहाँ आज़ाद कश्मीर से ही एक और नौजवान आए थे जो एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, फिर बीमार पड़ गए, उनकी वालिदा बहुत रो रही थी कल, तो कल वक्त कम था नेकी सेगमेंट का, तो हमने ब्रेक ले लिया। ब्रेक पर जाने के बाद एक साहब का हमसे रابطہ हुआ, अली साहब गुजरांवाला से, उन्हें फिर हमने अगले सेगमेंट में फ़ोन पे लिया, तो उन्होंने कहा कि जनाब 1 लाख से चाहे 1 करोड़ तक इस नौजवान के इलाज का खर्च हो, मैं वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल वाला मामला, तो अभी वो भी फोन लाइन पे मौजूद है हमारे साथ, उनसे ही बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। मैं गुजरांवाला आ रहा हूँ सर रमजान के बाद आपसे मिलने, इंशाल्लाह। आपको शुक्रिया कहने इंशाल्लाह ताला, मेरा संडे को या मंडे को प्रोग्राम है, इंशाल्लाह मैं आपके पास खुद हाजिर हूँ। सर क्या कहने, ये तो बेहतरीन हो जाएगा, जबरदस्त, हम आपके मुंतजर हैं जी। सर आपको वेलकम करेंगे। अच्छा सर, मैंने क्या ना ये था कि जो मेरी बहन बैठी हुई है जी जी, उनका अगर कोई 10-1 लाख रुपए में घर बन जाए। सर हम बना देंगे खुद, हमें मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, ईंटें लगानी पड़ी, 15 भी लगा तो सर कोई इशू नहीं, आपको आपके इसी में बना देंगे, इसी में बना देंगे सर। थैंक यू वेरी मच अली भाई के लिए, बहुत सारी तालियां। और सर आपका भी इंतजार है, आपका भी सेट पे इंतजार है। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही वाह, जिंदा। तो बस ये तो खत्म हो गया टाइम, अब टाइम बताएं कितना बचा है। 2 मिनट पहले ही माशाल्लाह सारी चीजें जिंदाबाद सॉल्व हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस सबका सिर्फ शुक्रिया, और फिर अब इन लोगों का वेट करेंगे अगर हम आए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह मेरी ये बहन अपने हाथ से अल्लाह ने चाहा जिस तरह से काम कर रही है बिल्कुल करें, लेकिन इनके सर पे अली भाई जो गुजरांवाला से हमारे भाई हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे वो यहाँ हमारे पास भी तशरीफ लेके आए, उनकी वजह से एक बाइज्जत छत होगी, तो न जाने सारी जिंदगी के लिए परवरदिगार उनके उनके सर पे अपनी रहमतों का साया किस अंदाज से रखेगा वो खुदा जानता है। और वो और बिलाल इंशाल्लाह अगले साल अपना चलता हुआ कारोबार उसके साथ हमारे मेहमान होंगे इंशाल्लाह। भाई हम कुछ आएंगे तो रियाज वगैरह करेंगे हमारे साथ या नहीं, माइक में जरा बता दें। बिल्कुल करेंगे। अच्छा तो स्टडीज वगैरह चल रही हैं आपकी साथ सर? समझ नहीं, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई स्टडी चल रही है मेरी। पेपर्स कब हैं आपके? पेपर सभी मैंने दिए हैं अभी। तो काम की वजह से आपकी पढ़ाई तो मुतासर नहीं होगी? नहीं, कंप्लीट प्राइवेट में पढ़ रहा हूँ। तो वो ठीक हो जाएगा मामला, पक्की बात है ना, दोनों काम साथ साथ चला लेंगे ना? बिल्कुल चला, बड़ी बात है, बिल्कुल वादा हो गया ये, चलें जी जिंदाबाद, बस ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी, वो बाइक का मैंने कहा है कि हम बिल्कुल करवा देंगे सारे मदनी भाई से इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक जी जी, बिल्कुल मैं मुलाकात करता हूँ। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। चलिए तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का, और हमारे जो दोनों डोनर्स हैं उनका खास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, कि हमेशा ये बड़ी अच्छी बात है कि इस सोसाइटी में निकल के बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से आपने काम किया, और वहाँ भी बड़ी हिम्मत दिखाई जब वो सब कुछ जो कर रहे थे। और आज का सेगमेंट ख़त्म करते हुए, चूँकि हमारे दोनों केसेज इतफाक़ से वही स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार लोग हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि हमारे कहने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम मैं अपने कम तर अल्फाज में भी यही कह सकता हूँ कि भाई ये एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक बंदा जो देख रहा है वो लानत भेज रहा है भाई तुम लोगों पर, खुदा के लिए। एक हस्ता बस्ता घराना, यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है कि दोनों जाने महफूज रही हैं, कितने घराने उजाड़ दिए, कभी 5,000 के मोबाइल के लिए, कभी 1 लाख के मोबाइल के लिए, 2 लाख के मोबाइल जितने का भी हो, तो बस अल्लाह मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा, दोनों जहानों अगर लानत के मुस्तहिक हैं यकीनन ऐसे लोग। तो चले जनाब, इसी नोट में हम ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह आज का सेगमेंट, और हम एक ब्रेक के बाद फिर उलमा कराम के साथ अपनी नशिस्त करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी तुझे सलाम।